अगला सवाल है अपने पास बैंकिंग क्षेत्र को लेकर के, फेडरल बैंक पर है। अमित कुमार पूछ रहे हैं, फेडरल बैंक के 100 शेयर खरीद रखे हैं 90 रुपए पर, लंबी अवधि का नजरिया है, तो इस पर क्या राय है आपकी? एक्चुअली अच्छा हुआ बैंकिंग पे सवाल आ गया, बिकॉज मेन डिस्कशन में एक चीज रहेगी कि उसको यहाँ पे कवर कर देता हूँ। दो सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे एक जगह तो नेगेटिविटी परसिस्ट कर रही थी और दूसरी जगह अभी नजर आ रही है, वो है कंजम्पशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंजम्पशन का इंडेक्स जब मैं देख रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं वीकनेस दिख रही है। और मैं इस बारी का जो क्रेडिट ग्रोथ का डेटा देख रहा था वो 19% टच करके उसके बाद वापस आके 16% के आसपास कहीं पे हावर कर रही है। मतलब ये है कि अब यहाँ से बहुत क्लोजली मुझे क्रेडिट ग्रोथ वॉच करना है, बिकॉज मैं पहले भी कह रहा था कि ये 18-20% के रेंज में आके टायर्ड हो सकता है, और अभी तक यहाँ पे हम खींच के लेके आए हैं इस चीज को, तो उसमें और अभी ये भी देखना होगा कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट का कितना असर आ रहा है। बस आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, और उसके कारण से क्रेडिट डिमांड पे असर आएगा आएगा। हालांकि जैसे एफएमसीजी कंपनीज का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि रूरल कंजम्पशन बेटर है और जो अर्बन कंजम्पशन है उस पे इम्पैक्ट है। तो रूरल कंजम्पशन बेटर है समझ में आता है, लेकिन वहां पे जो अर्बन कंजम्पशन पे अगर इम्पैक्ट है तो इसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ बोराइंग का इम्पैक्ट आएगा आएगा। तो इसलिए अब कंजम्पशन ओरिएंटेड चीजें जो है वो थोड़ा संभाल के देखना होगा कि हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, प्लस अगर हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है तो क्रेडिट ग्रोथ भी थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा। बिकॉज देखिए एक बैलेंस होता है, लो रेट जब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो वहां से क्रेडिट ग्रोथ को बूस्ट कराया जाता है, उसके लिए सारे सिस्टम फेवरेबल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट हाई साइड में आ जाते हैं तो अपने आप डिमांड कर्व हो जाती है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट डिमांड कम हो जाती है, तो वहां पे मुझे असर दिख रहा है। और प्लस ये फिनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद बैंक्स, देखिए अभी तक बैंक्स का जो रिजल्ट है अगले क्वार्टर तक भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, और इसके कारण हो सकता है कि अगर एक राउंड ब्रेकआउट मार्केट देता है तो 48,000 47,000 वाला निफ्टी बैंक का टारगेट हो भी जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद आएगी बिकॉज जो निम्स हैं वो इम्पैक्ट होंगे बैंक्स के, बिकॉज डिपॉजिट रेट्स विथ लैग बढ़ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट अगले फिनेंशियल में आएगा, वो भी असर आएगा, क्रेडिट ग्रोथ पे असर आएगा। तो एक लिमिट के बाद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बैंक्स में फ्रेश पोजीशन बनाने से कुछ मिलेगा या जो आईटी के साथ एक साल पहले हुआ वो बैंक के साथ हो जाएगा। तो ये सब बहुत क्लोजली इवेल्युएट करने वाली चीजें हैं, लेकिन इसको समझिए और समझ के ही काम कीजिए। तो कंजम्पशन पे, मेटल पे थोड़ा सा, सॉरी मेटल नहीं, मीडिया, कंजम्पशन पे, मीडिया पे थोड़ा सा, मीडिया तो ऐसे बड़ा सेक्टर कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन थोड़ा सावधानी रखिएगा उस चीज पे, और क्रेडिट ग्रोथ को क्लोजली वॉच कीजिए, क्योंकि उसके अगेंस्ट में बैंक्स पे भी, बैंक्स यहाँ से शायद बाई ना बने, मैं ये नहीं कह रहा कि सेल बन गए हैं, लेकिन शायद बाई ना बने, ऊपर जाने पे प्रॉफिट बुक करने का ही सिचुएशन सिनेरियो प्रिवेल करेगा, और उस हिसाब से आपको फेडरल बैंक को एनालाइज करना चाहिए। रिजल्ट सब अच्छा है, मैंने देखा कई ब्रोकरेज के अपडेट भी, टारगेट बढ़ गए, मुझे तो हमेशा ये देखने को मिला है कि ब्रोकरेज जिस दिन टारगेट बढ़ाया ना उस दिन बेच के चले जाओ, 20% गिरे तो जाके खरीद लो आराम से, पता नहीं क्या देख के बढ़ाते हैं, जब एंड आता है तब जाके बढ़ाते हैं। अभी फेडरल बैंक में क्या है, बहुत ज्यादा यूफोरिया में मत जाइए। ओके, आपने कहाँ खरीदा है, मैं तो ये डिटेल डिस्कस करने में भूल गया हूँ, आपको ये 90 बता पर, दें। 90 पर इनका खरीद है तो अच्छा फायदा मिल रहा है इन्हें। तो अब आप देखिए, ये कॉल आपको लेना है कि आपको प्रॉफिट बुक करना है या राइड करते जाना है, बिकॉज सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है। अब आप बोलेंगे कि मुझे 10 साल होल्ड करना है, तो 10 साल में तो बैंक कैसे पैसा नहीं बनाने वाले, अभी कोई सवाल तो होगा नहीं। अब आपको कैपिटल प्रिजर्व करना है तो मेरा ऐसा मानना है नॉर्मली 50 DA में आपको देखना चाहिए विद सम मार्जिन। तो 50 DA में है 134 पे, ठीक है, उसका थोड़ा फैक्टर कर लीजिए 130, अगर 130 के नीचे भी क्लोज होना शुरू होता है तो मुझे लगता है प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना चाहिए। पूरा करना है आधा करना है आपका फैसला है, वो आपको देखना है, लेकिन प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उस केस में होगा ये कि 110-115 वाला जो रेंज है वो रीटेस्ट हो जाना चाहिए, जो कि 200 EMA का, वैसे भी देखिए बहुत लंबे समय से ये चलता भी आ रहा है। तो फ्रेश अपसाइड के लिए 142 के पहले मेरे पास कोई मार्कर नहीं है, फ्रेश
फ्रेश डाउनसाइड के लिए 130 के पहले, रादर आज जो फ्राइडे का क्लोज है वो बहुत कंफर्टेबल क्लोज नहीं है, सेल ऑन राइज ट्रिगर होने का क्लोज और अगर गलती से 132 के नीचे क्लोज हुआ तो सेल ऑन राइज ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। तो यही है कि उसको थोड़ा सा बेकिंग कर लीजिए, 130 कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि इंतजार वेट करना चाहिए, और फिर बेटर लेवल मिले तो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना अपनी यहाँ पे प्रायोरिटी होनी चाहिए फेडरल बैंक में, जैसा मुझे समझ में आता है। तो बहुत साफ साफ रहा है, बहुत साफ साफ लेवल 130 नोट करके रख लीजिए, उसके नीचे जाने पर आपको मतलब ध्यान रखना है कि 90 से यहाँ तक की जो आपको मुनाफेदार यात्रा रही है कहीं ऐसा ना हो कि वो निरर्थक हो जाए, कहीं उसका सारा फायदा हाथ से फिसल ना जाए, तो उस लिहाज से आप 130 पर अभी खास नजर रख सकते हैं, ये बता रहे हैं सुमेश।